गिरिडीह में केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जनमानस को बड़ी राहत मिली है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखने को मिला। जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत परसाटाण में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी दिखी। इस दौरान लोगों को जागरूकता रथ के माध्यम से केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने साल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान किसानों और अन्य लाभुकों ने केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के फायदे गिनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये योजना है उसे महाजनों से छुटकारा मिला है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान निधि की योजना के तहत साल में 6,000 रुपया, 2,000 रुपया चार चार महीना में मुझे मेरे खाते में प्रधानमंत्री डेबिट कर रहे हैं। सूर्योदय होने के पहले ही निकलना पड़ता था और इस कारण से लोग को ज़्यादा परेशानी होता था। हर घर में शौचालय होने के बाद सब सुरक्षित है, अपना घर में प्रयोग करते हैं शौचालय का। जैसे सोलर पैनल मिला है जिसे हम खेती पटावन करते हैं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाभुकों ने बताया कि पीएम आवास योजना से उनके जीवन में सुखद बदलाव आया है और उनकी मुश्किलें आसान हुई हैं। प्रधानमंत्री योजना से हमको शौचालय मिला है। पहले बहुत हमको लेडीज को जाना पड़ता था मैदान नदी टाँग, घर में सुविधा मिल गया है, बहुत सुरक्षित से रहते हैं। प्रधानमंत्री योजना से बहुत बढ़िया मिला है। मोदी सरकार हमारा दल का आप बनाए के अच्छा से रहिए, अच्छा से सुखी से रहिए। वो 2,000 रुपया मुझे 3 महीनों में दाना बीज खाद के लिए प्रत्येक माह हम लोग को सरकार द्वारा मिल रहा है। लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए उज्ज्वला योजना समेत अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कमजोर वर्गों के लिए वरदान बताया। महिलाओं ने भी केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की जमकर प्रशंसा की। मोदी जी देखा राशन मिलने के लिए 5 किलो में एक महीना में मिल रहा है अनाज फ्री में। मोदी जी बढ़िया किया है। पहले शौचालय मिला है, पहले बाहर जा रहे थे, अब घर में बना हुआ है। मोदी जी धन्यवाद, हम लोग को शौचालय दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सही अर्थों में लोगों को उनके घर दरवाजों तक विकास की किरण पहुंचाने का काम कर रहा है, ताकि वंचित वर्गों का उत्थान हो सके। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट।